दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपके पास एक मोबाइल फोन है जिसमें आप लोग क्रोम ब्राउजर में जाके वाईटी स्टूडियो को ओपन करते हो, लेकिन वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है दोस्तों वाईटी स्टूडियो ऐप पे या फिर यूट्यूब ऐप पे, तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है वही मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्रोम ब्राउजर में अपने यूट्यूब चैनल को लॉग इन कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों इसको डेस्कटॉप वर्जन में कर देंगे, तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप साइड जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये गाइस डेस्कटॉप वर्जन में आ जाएगा। और यहाँ पर गाइस देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो कि आप में से काफी सारे लोग परेशान है इस चीज से। तो यहाँ पर गाइस ये तो ओपन हो गया, चलो ठीक है। तो ऊपर दोस्तों हम लोग चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो जो लिखा हुआ है इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो मतलब कि हमको रीडायरेक्ट कर देता है वाईटी स्टूडियो ऐप में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अभी हम लोग बैक जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो जो लिखा हुआ है सिंपली उस पर हमें होल्ड करके रखना है, ठीक है। होल्ड करके रखो और गाइस यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ओपन इन न्यू टैब, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस ऊपर देखो प्लस के बाद में जो दो लिखा हुआ है यहाँ पे 3, 4, 5, 10 ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है क्योंकि यहाँ पर टैब आते हैं जो भी हम लोग ओपन करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमको दूसरा टैब देखने को मिल जाएगा जिसे हम लोगों ने अभी ओपन करा है वाईटी स्टूडियो वाला, इसे हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करते ही गाइस हम लोग पहुंच जाएंगे वाईटी स्टूडियो पे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग वाईटी स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, वो भी बिना किसी रीडायरेक्ट के इशू के। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।